आइए हम सब लोग फिर से एक बार सीधे वचन में प्रवेश करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय की अध्ययन में हम लोग हैं। बीती हुई रात में हमने प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के उसके पहली बात से लेकर एक कलीसिया के बारे में ध्यान किया था, जिस कलीसिया का नाम है इफसुस। उस कलीसिया के विषय में परमेश्वर ने कुछ प्रशंसा की है, छह शब्दों की प्रशंसा के छह शब्द हमने सुना है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यह सब ठीक है लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तुम्हारे प्रेम से तुम गिर चुके हो। उस प्रेम में वापस लौटने के लिए परमेश्वर कहते हैं, अगर उस प्रेम में वापस नहीं लौटे, मन नहीं फिराएंगे, तो परमेश्वर कहते हैं, पांचवें वचन देखेंगे, मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू ना मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। दीवट का अर्थ हमने देखा था, दीवट उसकी कलीसिया होती है। कलीसिया से कहते हैं, मैं तेरी स्थान को तेरे पास से हटा दूंगा, अर्थात उस जीवन के वृक्ष का जो तुझे खाने का मैं भाग्य दूंगा, उसमें तो भागी ना ठहर पाएगा, उसका तो सहभागी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कर, सबसे पहले अपने मन को फिरा और उसके बाद मैं वापस लौटा। पर हाँ, तुझ में यह बात है, हम सीधे इसके सातवें वचन में चलते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए और उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय प्राप्त करेंगे उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है उसे खाने के लिए देंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो, मन ना फिराए तो यह भाग्य उन्हें प्राप्त नहीं होगा। आठ वचन में चलते हैं, आज हम दूसरी कलीसिया की ओर जाएंगे। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, और वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को तो जानता हूं परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी तू जानता है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, अल्फा और ओमेगा है, जो मर गया था लेकिन अब जीवित हो गया है, वैसे जो मर गया था लेकिन अभी वो जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। तू वैसे दरिद्र दिखता है लेकिन तू तो धनी है। आजकल अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति और गरीब व्यक्ति को, कंगाल व्यक्ति को भोजन खिलाते हैं और उनके बारे में लिखा जाता है, तू गरीब है लेकिन धनवान है, तू मन से धनवान है।
वैसे ही बहुत ही भयंकर महामारी से होकर, भूख से होकर, बेरोजगारी से होकर यह दुनिया चल रही है। एक दूध वाला जाते जाते छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को देखता है, अपने साइकिल को रोककर उसमें से थोड़ा दूध निकालकर बिल्लियों को पिलाकर जाता है। एक गरीब व्यक्ति होता है जिसने किसी और के पास से दान के रूप में आहार को लिया था, उसने अपनी थाली में से आधा आहार उसको बांटकर, दूसरों को बांटकर खिलाया है। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको एक गरीब इंसान वस्त्र निकाल कर देता है, जिसके पास खाने को नहीं है वह इंसान दूसरों को खिलाने के लिए जाता है। गरीब इंसान दूसरे गरीब की जब मदद करता है, उस गरीबी में उसे गरीब नहीं कहते हैं परंतु उसे धनवान कहते हैं। जिसके पास नहीं है वो दूसरों को खिलाता है, उसको धनवान कहते हैं। जिसके पास नहीं है वो दूसरों को जब खिलाते उसी में से उसको धनवान कहते हैं। मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और वैसे तो है नहीं परंतु शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी तू जानता है। ठीक है, हम इससे पहले उनके पास जाते हैं जो अपने आप को परिचय देते हैं। परिचय इस प्रकार से देते हैं, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और जो जीवित है, जो प्रथम भी है अंतिम भी है, वो मर गया था और वो जीवित है। अपने आप को मरे हुए में से जिलाया हुआ एक सबूत को उन्हें देते हैं। अपने आप को मरे हुए में से जिलाया हुआ एक सबूत वो देते हैं कि मैं मर गया था लेकिन मैं जी उठा हूं, मैं मर चुका था लेकिन मैं जी उठा हूं, मैं अल्फा था और मैं ओमेगा भी हूं, मैं प्रथम था और मैं अंतिम भी हूं। इसका अर्थ है मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है, मेरे सिवाय इस संसार में उद्धारक कोई भी नहीं है, मेरे सिवाय तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें छुड़ाने वाला और कोई नहीं है, मेरे सिवाय तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। स्मुरना की वो कलीसिया है जो अन्य देवताओं की आराधना करती थी, वो शहर, और जिसके मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर के होते थे, जिसके इमारतें बहुत ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, और जहां पर हर रोज कोई ना कोई प्रतियोगिता होती थी, हर रोज कोई ना कोई प्रतियोगिता होती थी और प्रतियोगिता में उनको मुकुट दिया जाता है। वो मुकुट इस प्रकार से है, उनके सिर पर रखने वाली मुकुट दी जाती है। आज हम अपने एथलेटिक्स में देखते हैं किसी को मेडल देते हैं, कोई और स्पोर्ट्स में देखते हैं किसी को कोई कप देते हैं, किसी और चीज में देखते हैं कोई और प्रतियोगिता है जो सुंदरता की प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में उनको सिर पर रखी जाने वाली मुकुट दी जाती है। और कुछ संस्कृति और संप्रदायों में देखते हैं और खासकर पाश्चात्य देशों के विवाहों में देखते हैं, दुल्हन के सिर पर एक ताज, एक मुकुट होती है। और हम राजाओं के सिरों के ऊपर भी देखते हैं, उनके सिर पर भी मुकुट होती हैं। जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, उनके सिर के ऊपर कांटों की मुकुट थी। हम उनके पास बाद में पहुंचेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, व्यर्थ ही तुम इन संसार की रीति रिवाजों में जूझना जाना, व्यर्थ ही तुम इस संसार के तौर तरीकों के साथ में न चलना, व्यर्थ ही तुम इस संसार में भटक ना जाना, खो ना जाना। तुम्हें स्वर्गलोक में अगर कोई लेकर जाएगा तो वो मैं ही हूं, तुम्हें अनंत जीवन को अगर प्रदान करेगा तो वो मैं ही हूं, मेरे सिवा, यीशु मसीह ने कहा था,
मेरे सिवा कोई भी स्वर्ग में पिता के घर पर प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे सिवा कोई भी मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, मेरे सिवा कोई भी स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं अल्फा मैं ही हूं, ओमेगा मैं ही हूं, आरंभ मैं ही हूं, अंत मैं ही हूं, प्रथम मैं ही हूं, अंतिम भी मैं ही हूं, मैं मर गया था लेकिन मैं जी उठा हूं। स्मरणा की कलीसिया, स्मरणा के लोग सोच रहे थे कि यीशु मरे हुए में वैसे ही हैं। आज भी यहूदी लोग सोचते हैं कि यीशु मरा हुआ है। हम जानते हैं, हमने यीशु मसीह के जीवन क्रम को ध्यान करते समय हमारी आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में इस प्रकार से देखा था, मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां जब यीशु मसीह के चेलों के पास जाकर उन्हें खबर देते हैं कि हम यीशु के कब्र के पास गए थे लेकिन उनका शरीर उसके अंदर नहीं था, कोई उनको उठाकर लेकर गए हैं। लेकिन उसके बाद में पतरस और योहन्ना आते हैं, स्वर्गदूत उनको प्रकट होते हैं, मरियम को प्रकट होते हैं, अन्य स्त्रियों को प्रकट होते हैं, इम्माऊ की मार्ग में जाते समय यीशु उनको प्रकट होते हैं, उसी दोपहर के समय लगभग संध्या के समय पतरस को प्रकट होते हैं, रात के समय चेलों को प्रकट होते हैं। ऐसे 13 बार यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद अपने आप को अपने चेलों के सामने प्रकट किया। 500 लोगों को एक साथ वो दिखाई पड़े हैं, 40 दिन तक धरती पर ही वो थे। लेकिन सब लोग सोचने लगे हैं, बाकी लोग जो सोचने लगे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाते हुए सोचने लगे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में वैसे ही है। यीशु के चेले आकर समाधि में से उनका शरीर को चुरा कर लेकर गए हैं। आज भी यहूदी लोग वैसे ही मानते हैं कि यीशु मारा गया था, यीशु गाड़ा गया था, यीशु मसीह के शरीर को उनके चेले लोग आकर चोरी करके लेकर गए हैं। आज भी वे लोग इसी बात को मानते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं यीशु मसीह जी उठा है, उसकी प्रमाण सब लोगों को देते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के प्रमाण जिसने भी प्राप्त किया है, वे सब लोगों ने विश्वास किया है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ने ही सब कुछ, यीशु हमें स्वर्ग लोक लेकर जाएगा, मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन भी वही है। यीशु के सिवा उनको कोई स्वर्ग लोक में नहीं ले जा सकता, इस बात की प्रमाण सब लोग जानते हैं। जितनों ने जाना है वे सब लोगों ने विश्वास किया है, और जितनों ने विश्वास किया है उन सबको परमेश्वर स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार भी दिया है। स्मरणा की कलीसिया से कहते हैं, मैं मर गया था लेकिन मैं अभी जी उठा हूं, और वही मैं तुमसे कुछ कहता हूं, सुन लो। क्या कहता हूं? मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। ये उस कलीसिया से लिखते हैं जो स्मरणा के शहर में है। वहां के लोग जो यहूदी थे और जिन्होंने मन फिराया था, जो पश्चाताप किए थे और जिन्होंने प्रायश्चित किया, और अन्य लोगों में से जितने लोग कलीसिया में आकर जुड़े हैं उनके बारे में कहते हैं, मैं तो तेरी क्लेश को जानता हूं, तेरी दरिद्रता को जानता हूं। क्लेश का अर्थ है कष्ट का समय, तकलीफ का समय, तंगी और मुसीबत का समय। तेरी कमी घटी को मैं जानता हूं, तेरे पास क्या नहीं है मैं जानता हूं, तू कितना कंगाल है मैं जानता हूं, तू कितना गरीब है ये मैं जानता हूं, तू कितना दरिद्र है ये जानता हूं। लेकिन मैं तेरे बारे में एक मैं कहता हूं, वो ये है, परंतु तू धनी है। ये कौन कहते हैं? जो मरे हुए में से जी उठा है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, हमारे प्रभु स्वयं कहते हैं कि तू दरिद्र कहलाता है परंतु तू दरिद्र नहीं है, तू धनवान है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी तू जानता है। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, ये भविष्य के बारे में कहते हैं। इससे पहले जो कहा था वो बीती हुई बातें थी और वर्तमान की बात थी। बीती हुई बातें क्लेश की बात है, वर्तमान की बात उनकी दरिद्रता की बात है, और भविष्य की जो बात है, जो होने वाली है, जो घटने वाली है, उसके बारे में कहते हैं, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर,
उन्हें निडर होने के लिए कहते हैं, उन्हें धैर्य होने के लिए, साहसी होने के लिए, उन्हें विश्वास रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, शैतान तुम में से कितनों को जेल खानों में डालने पर है, पर शैतान की सभा है, ताकि तुम परखे जाओ। क्यों डालना चाहता? ताकि तुम परखे जाओ। देखो जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। कितने दिन तक? 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्लेश कहते हैं 10 दिनों का, 10 दिन का अर्थ है, जब हम इनकी इतिहास को पढ़ते हैं, ये 10 दिन नहीं था, लगभग 10 साल की, 1 दशक की पीड़ा उन्हें भुगतना पड़ा। 1 दशक की पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ा, 10 वर्षों की क्लेश से उन्हें गुजरना पड़ा, 10 वर्षों की दुख से उन्हें गुजरना पड़ा। देखो तो जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उनसे मत डरो। प्रभु कहते हैं तुम्हें दुख तो झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मत डरना, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालेगा। किस लिए डालेंगे? ताकि तुम परखे जाओ। कोई क्लेश कभी आती है, कोई मुसीबत कभी आती है, कोई संकटे कभी आते हैं, तो हमें सोचना होगा शायद परमेश्वर हमें परख रहे हैं, हमें परमेश्वर जांच रहे हैं। हम परीक्षा दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, हम सबको परीक्षा देना पड़ता है। परमेश्वर अब्राहम के बारे में कई सारी बातें कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर कहते हैं मुझे तेरी विश्वास की परीक्षा करना है। कैसे करते उनकी विश्वास की परीक्षा? उनसे कहते हैं तुम्हारा इकलौते बेटे को तुम मुझे कुर्बानी दे दो। ये तो सबसे बड़ी कुर्बानी है, सबसे बड़ी परीक्षा है ये। तुम्हारे इकलौते बेटे को तुम मुझे कुर्बान कर दो, ताकि मैं जान पाऊं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो सच में तुम मुझे विश्वास करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, और विश्वास की परीक्षा में तुम जीत जाओगे। परमेश्वर की मांग के अनुसार अब्राहम जाते हैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा मुझे तुम्हारे बेटे की जरूरत नहीं है, मेरी कुर्बानी की जगह कोई कुर्बानी की चीज कुछ और है। उसके कुछ 1000 सालों के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दिया था। अब्राहम के इकलौता पुत्र को नहीं लिया, परंतु अपना इकलौता पुत्र को भेजकर उन्होंने सलीब के ऊपर कुर्बानी दी है। परमेश्वर ने स्वयं कुर्बानी दी है, अब्राहम की कुर्बानी नहीं ली, परंतु अब्राहम कुर्बानी देने के लिए गया था। अपनी तलवार उठा भी देते हैं ताकि अपने बेटे का वध करे और परमेश्वर को कुर्बान कर दे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम तो विश्वास की परीक्षा में जीत चुका है। शैतान जब प्रभु के सामने खड़े होकर अय्यूब के विषय में बातें कर रहा था, परमेश्वर ने उससे कहा अय्यूब परीक्षा में जीतेगा। अय्यूब को परखा गया था बड़ी बुरी तरह से, बहुत भयंकर रीति से, बहुत ही दर्दनाक स्थिति से उनको परखा गया था, और वे परखे जाने के बाद वे उस परीक्षा में जीत जाते हैं। यीशु मसीह को भी उनके बपतिस्मा होते ही परखने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में लेकर जाते हैं। शैतान वहां पर यीशु मसीह को परीक्षा करता है। यीशु ने भी परीक्षा दी है, उनको भी परखना पड़ा, उन्हें भी परीक्षा से जाना पड़ा, और यीशु मसीह अपने जीवन भर परीक्षा देते गए हैं। सलीब के ऊपर जाते समय भी, सलीब के ऊपर जाने के बाद भी उन्हें अपनी परीक्षा को देना पड़ा है, और सारी परीक्षाओं को पूरा करने के बाद ही यीशु मसीह मृत्युंजय होते हैं। और हमसे भी क्या कहते हैं स्मिरना की कलीसिया के माध्यम से, हमसे भी कहते हैं मत डरना, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डरना, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, परंतु ताकि तुम परखे जा सके, परंतु
ये कब तक होगा? तुम 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहा। 10 दिन की परीक्षा, 10 दिन 10 दिन नहीं होते हैं, 10 वर्षों तक गया है, उससे आगे भी गए हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम प्राण देने तक विश्वासी रहो, उसके बाद क्या होगा? तुम प्राण को देने तक, प्राण अगर तुम्हारा मांगा जाए तो उसे भी दे देना, लेकिन उसके बाद तुम्हें मैं जीवन का मुकुट दूंगा। कौन से मुकुट के बारे में कहते हैं परमेश्वर? जीवन का मुकुट के बारे में कहते हैं। इफिसस की कलीसिया से कहते हैं, अगर तुम जय प्राप्त करोगे मैं तुम्हें जीवन का फल को खाने के लिए दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। आसमुर्ना की कलीसिया से कहते हैं, अगर तुम जय प्राप्त करोगे मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, अनंत जीवन का मुकुट दूंगा। यह मुकुट तुम्हारे सिर पर होगा, इस ताज को तुम पहना करोगे, अनंत जीवन तुम्हें प्रदान होगी, अनंत जीवन में तुम प्रवेश करोगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन लेना कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय प्राप्त करेंगे उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। एक मृत्यु जो हम सहज रूप से यहां पर लेते हैं और कलीसिया से कहते हैं, स्मरणा की कलीसिया कहते हैं अगर प्राण देना पड़े तो भी डरना मत, पीछे मत हटना, प्राण देने के समय तक तुम विश्वास योग्य बने रहना। अगर ऐसा हुआ तुम्हारा प्राण मिट भी जाए, दूसरी मृत्यु तुम पर काबू नहीं कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे सिर के ऊपर जीवन का मुकुट होगा। जिसके पास जीवन का मुकुट है वह मृत्यु के अधीन में नहीं होगा। जिसके पास जीवन का मुकुट है वो मृत्यु में प्रवेश नहीं करेगा, वो जीवन में प्रवेश करेगा। सारे कब्र खुले जाएंगे, धर्मी जनों के कब्र खुले जाएंगे, अधर्मियों के भी कब्र खुले जाएंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकारा है उनकी समाधि खुली जाएगी, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धार करता के रूप में स्वीकार नहीं किया उनकी भी समाधि खोली जाएगी। हर एक कब्र खोली जाएगी, सारे समाधियां खुले जाएंगे, लेकिन जो जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, जो विश्वास योग्य होकर ईश्वर को उद्धारकर्ता मानकर उनके वचन के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उन्हें परमेश्वर जीवन में प्रवेश करवाते हैं, उन्हें परमेश्वर जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश करवाते हैं। जो लोग उनके अनुसार नहीं चले हैं, उन आज्ञाओं का पालन नहीं करे हैं, उन उद्धार को प्राप्त नहीं किए हैं, उनको मृत्यु में डाले जाएंगे। इसे कहते हैं दूसरी मृत्यु। पुनरुद्धान होकर अनंत मृत्यु की ओर जाएंगे, पुनरुद्धान होकर अनंत मृत्यु होंगे। पुनरुद्धान सभी का होगा, पुनरुद्धान सभी का होगा, लेकिन जीवन में प्रवेश करने वाले कुछ है तो मृत्यु में प्रवेश करने वाले, अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले कुछ है तो अनंत मृत्यु में प्रवेश करने वाले कुछ होंगे। और यहां पर जो परीक्षा में परखे जाएंगे, यहां पर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, उन्हें दूसरे मृत्यु कोई काबू नहीं कर सकती, उनके पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है यहीं पर करना है, हमें जो कुछ भी करना है यहीं पर करना है। आपको थोड़ी आश्चर्य हो रही होगी, मृत्यु से उद्धार पाए भी की पुनरुत्थान होगी, उद्धार नहीं पाया उसकी भी पुनरुत्थान होगी। फिर शायद आपको लगता होगा कि अरे ऐसा तो सब लोग जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन में प्रवेश कर रहे, जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ यह है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जो जीवन का अर्थ है, अनंत जीवन का अर्थ है, वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी को समझने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताई थी, एक धनवान मनुष्य की और उसके सामने रहने वाले कंगाल लाजर के बारे में, उसके डेवड़ी के सामने छोड़े जाने वाले लाजर के बारे में। दोनों ही अभी जीवित हैं,
लेकिन एक स्वर्गलोक में है तो दूसरा अधलोक में है। स्वर्गलोक में जो है वह शांति पा रहा है, स्वर्गलोक में जो है वह आराम को पा रहा है, विश्राम को पा रहा है। स्वर्गलोक में जो प्रवेश कर गया है उसे कोई पीड़ा नहीं है, उसे कोई क्लेश नहीं है, वहां भूख नहीं है, वहां क्लेश नहीं है, वहां पर श्राप नहीं है, पाप नहीं है, मृत्यु नहीं है, वहां प्यास नहीं है, वहां कुछ ऐसे चीज नहीं है जो मनुष्य को सताएंगे। लेकिन जो अधलोक में प्रवेश कर चुका है, वह व्यक्ति जिस संसार में प्रवेश कर चुका है, वहां पर वो बातें तो कर रहा है, अपनी आंखें उठाकर, अपनी जबान खोलकर दूर एक देश में अब्राहम से बातें कर रहा है। अब्राहम से कहता है कि लाजर को भेज दे ताकि मेरे घर मेरे पास आके पानी पिलाए, अगर मेरे पास नहीं आ सकता तो मेरे पिता के घर भेज दे ताकि वहां जाकर वो सुसमाचार को सुनाए। ये धनवान इंसान भी अभी उठ गया है, धनवान इंसान भी उठ गया है, लेकिन कहां गया है वो? अधलोक में गया है। अधलोक में चाहे कितने भी कोशिशें क्यों ना करें, अधलोक में चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना करें, वहां पर कोई हवा, कोई पानी, कोई आहार को नहीं ला पाएंगे। वहां पर कोई जीवनदान वस्तुओं को नहीं ला पाएंगे। अगर आपको ताज्जुब हो रही है, मनुष्य कई वर्षों से, कई दशकों से प्रयास कर रहा है चांद के ऊपर जाए, वहां पर पानी की खोज करे, चांद के ऊपर जाए, वहां पर हवा की खोज करे, अगर उनको वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, दोनों को मिला लेंगे, दो ऑक्सीजन को मिला लेंगे, हमारी श्वास दे देंगे, दो हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना देंगे। लेकिन ताज्जुब की बात अभी तक यह है कि उस चांद के ऊपर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली है, उन्हें हाइड्रोजन नहीं मिली है। उस अधलोक में जो धनवान इंसान उस पीड़ा में है, उसके पास ना ऑक्सीजन होगी, ना ही उसके पास हाइड्रोजन होगी, वहां वो जीवित नहीं रह पाएगा। वो दुख में, वो पीड़ा में, वो क्लेश में, वो भूख में, वो अकाल में, वो दर्द में, वो पीड़ा में, उस भयंकर हाल में वो तड़पता ही रह जाएगा। इसलिए अब्राहम उससे कहते हैं, हे पुत्र स्मरण कर, तू धरती पर था, तूने ऐसे ऐसी कौन सी सुख भोग है जिसने तूने अनुभव नहीं किया है। हर एक व्यक्ति झिलाया जाएगा, हर एक व्यक्ति झिलाया जाएगा, हर एक कब्र खोली जाएगी। लेकिन जो मसीहा के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के आदेशों के अनुसार उद्धार को प्राप्त करके पवित्र जीवन को बिताएंगे, वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो उसके विपरीत चलते हैं वो अनंत मृत्यु में प्रवेश करेंगे। इसलिए कहते हैं, जो जय पाएगा उसे दूसरे उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जिसके कान हो वह कान खोलकर सुन लेना। एक और बार स्मिरना की इन बातों को हम पढ़कर यहां पर समाप्त करते हैं। आठों वचन, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का आठों वचन। और स्मिरना की कलीसिया के दूत को यह लिखा कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी तूने तू जानता है। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। एक जीवन का मुकुट है जो परमेश्वर आपकी और मेरे सामने रखे हैं। आज प्रभु हमसे कहते हैं, अगर हमारे कान है तो हम उन्हें खोलकर सुनना चाहिए। इस संसार में मुकुटों को प्राप्त करने के लिए, इस संसार की प्रतियोगिताओं में बड़े बड़े मुकुट कमाने की कोशिश न करना, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, यहीं पर मिट जाएंगे। हमारी प्राथमिकता उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करना होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता इस संसार के मुकुटों को नहीं। ये संसार के मुकुट बाद में जुड़ जाने दो, चलेगा। कभी आप फुटबॉल खेलते हो, आने दो, कोई ट्रॉफी आने दो,
कभी कोई ओलंपिक्स में जब आप भागी होते हो आने दो, मेडल्स आने दो, कोई परीक्षा में जाते हो आने दो, कोई मुकुट आने दो, कोई मेडल्स आने दो, लेकिन आपका सबसे पहला प्राथमिकता आपका जीवन का मुकुट होना चाहिए। इतने सारे मुकुटों को इस धरती पर आपने कमा लिया लेकिन जीवन का मुकुट नहीं कमाए तो वह अधलोक में कहां पर उसका उपयोग किया जाएगा। जीवन का मुकुट को इसलिए हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं किसी चीज को कमाए ना कमाए, कल रात को उन्होंने कहा किसी फल को आप खाए ना खाए, लेकिन जीवन का फल खाने के लिए इस संसार के सारी परीक्षाओं को जीतकर स्वर्गलोक प्रवेश करना, कुछ मिले या ना मिले अनंत जीवन का मुकुट पाने के लिए इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रवेश करना। स्वर्गलोक सर्व को जगाते हैं, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते एक और आप प्रभु जी आपने हमसे बातें की हैं, स्मरणा के कलिसे के साथ में फिर से एक बार हमें प्रभु जी सचेत किए शब्दों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं, गौरव के साथ प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर आपके वचनों को सुने हुए हम में से हर एक व्यक्ति आपके उद्धार को प्राप्त कर सके, उद्धार में प्रवेश कर सके, जीवन का फल प्रभु जी हम प्राप्त कर पाए, जीवन की मुकुट प्रभु हम प्राप्त कर सके, इस संसार में प्रभु जी भटक ना जाए, विनाशकारी प्रभु जी राहों में हम लोग ना जाए, अधोलोक में प्रभु जी किसी भी हाल में प्रवेश ना करें, स्वर्गलोक प्रवेश करके आपके साथ अनंत जीवन में अनंत शांति और अनंत आनंद में प्रवेश करने का भाग्य में प्रदान कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनकर अपने देवोत्तरों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबके साथ में प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे। आमेन 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 आमेन। सभी को जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।